सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र डेलीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर 76 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स

लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टेंड विद मी सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द थ्री एडवाटेज एडवांटेजेस ऑफ मास कम्युनिकेशन तो देखिए आपको मास कम्युनिकेशन के थ्री एडवांटेजेस बताने हैं व्हाट इज मास कम्युनिकेशन जानते हैं ना यानी कोई ऐसा कोई सोर्स जिससे बहुत कम टाइम में बहुत सारे लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जा सके इसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन अब इसके क्या थ्री एडवांटेजेस हैं फ़र्स्ट इज़ मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट ये मास कम्युनिकेशन है वो एंटरटेनमेंट देता है हमें क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ तो ये क्या करता है नेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज यानी जो सरकार के कार्यक्रम हैं उनकी नीतियां हैं उनके बारे में लोगों की अवेयरनेस को जगाता है उनको जागरूक बनाता है इट स्प्रेड्स नॉलेज यह नॉलेज बढ़ाता है knowledge इट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्राम एंटरटेनमेंट एजुकेशनल टू स्पोर्ट्स एक्सेट्रा और ये बहुत सारी वेराइटी के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करता है जैसे एंटरटेनमेंट से संबंधित या एजुकेशनल रिलेटेड या स्पोर्ट्स रिलेटेड दैन दूरदर्शन द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया इज़ द मीडियम ऑफ नेशनल मैसेज एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल नेटवर्कस इन द वर्ल्ड देखिए जो दूरदर्शन है वो वो राष्ट्रीय मैसेजेस को या राष्ट्रीय संदेशों को प्रसारित करने का उनको लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है और दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय नेटवर्क में से एक है देन क्वेश्चन नंबर टू डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट देखिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें जाम जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस नहीं करनी पड़ती हैं सो लेट्स सी फर्स्ट इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फीस टू रिफाइनरीज़ फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स तो देखिए जो जो पाइपलाइन नेटवर्क है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो ना केवल जो है पानी पहुंचाने के काम में आता है बल्कि आजकल तो वो क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नेचुरल गैस को नेचुरल जो वहाँ से जहाँ से वो निकलता है एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ से रिफाइनरीज तक या फर्टिलाइजर फैक्ट्री तक या बिग थर्मल पावर्स तक पहुँचाने का भी वो काम करता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल देखिए ये जो पाइपलाइन है ना इसको बिछाने का काम तो थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन जब इसकी रनिंग कॉस्ट को हम देखें तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज देखिए जो मैंने अभी आपको बताया जो जाम जैसी समस्या है जो देरी जैसी समस्या है प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं हमें फेस करनी पड़ती या बीच में कई बार जो हमारा सामान गायब हो जाता है वो भी प्रॉब्लम हमें फ़ेस नहीं करनी पड़ती पाइपलाइन मेक ट्रांसपोर्ट फास्ट सेफ एंड ईजी पाइपलाइंस जो है वो हमारे सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत फास्टली सेफली और बहुत इजीली पहुंचा देता है इट सेव्स टाइम एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन रेल ट्रांसपोर्ट ये समय की बचत करता है और रेल ट्रांसपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम भी करता है उसका प्रेशर भी कम करता है और क्वेश्चन नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोड ट्रांसपोर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन रेल ट्रांसपोर्ट देखिए आपको इसमें बताना है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेल ट्रांसपोर्ट से और बच्चे इसमें यही गलती करते हैं इसमें वो रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में लिख देते हैं सो लेट्स सी वाई रोड ट्रांसपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट वॉज स्टार्टेड बिफोर द रेल ट्रांसपोर्ट देखिए रोड ट्रांसपोर्ट को रेल ट्रांसपोर्ट से पहले बनाया गया पहले शुरू किया गया कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट इज़ ईजी दस कैन बिल्ट एंड मैंटेन ईजीली क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट ईजीली हो जाता है इसलिए ये आराम से बनाए जाते हैं और मैंटेन भी रखने की कोशिश की जाती है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन्स रेलवे लाइन्स को बिछाने की अपेक्षा जो रोड का कंस्ट्रक्शन है वो सस्ता होता है कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन माउंटेन्स एंड डिफिकल्ट टैरेंस देखिए माउंटेन्स पर या जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं या बहुत दुर्गम क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भी इन्हें बनाया जा सकता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर ये डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड कराता है यानी एक पॉइंट से आपकी फैक्ट्री से चला और दूसरी फैक्ट्री तक पहुँच गया तो लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट भी इसकी कम होती है रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर To other modes of transport, such as they provide a link between railway stations, airport and seaports. dekhi jo जो road transport hota होता है वो दूसरे जो mode of transport hote होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है एक hai है उनके बीच में जैसे आपको jana जाना है तो आप किसका karoge करोगे आ, भाई tak तक bhi भी तो सही तो वो रोड ट्रांसपोर्ट यूज करोगे आपको रेलवे स्टेशन जाना है तब भी आप रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करके रेलवे स्टेशन पहुंचोगे या सीपोर्ट के साथ भी ऐसे ही है नाउ वी कैन से रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रेल ट्रांसपोर्ट दैन अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट कंट्री अनालाइज दिस स्टेटमेंट आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ ये बताना है कि इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से एक कंट्री के लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है यानी उसके आपको एडवांटेज बताने हैं तो आंसर क्या होगा एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इज़ एन इंडेक्स टू इट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इट इज़ देयर फॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर द कंट्री ये भी वन मार्कर क्वेश्चन है तो देखिए जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बताता है और इसलिए हम इसको इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ कंट्री भी कहते हैं कैसे प्रूव करके दिखाते हैं ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री प्रॉस्परस देखिए क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड किसी कंट्री का बढ़ता है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी अप होता है डेवलप्ड नेशनज गेट फॉरन एक्सचेंज बाई सेलिंग देयर हाई क्वालिटी गुड्स टू अदर कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशन हैं वो अपने जो बेस्ट क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको वो दूसरी कंट्रीज़ को बेच के फॉरन एक्सचेंज को कमाते हैं यानी विदेशी मुद्रा को कमाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर गुड्स मोर दैन देयर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन फॉरन कंट्रीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं कोई भी कंट्री वो ज़्यादा अपने गुड्स को बनाती है और अपनी आवश्यकता से ज़्यादा और उनको एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज डिपेंड्स ऑन द डेवलप कंट्रीज़ इन मैनी वेज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों के लिए डेवलप कंट्री पर निर्भर करती हैं उनसे उनको चीज़ें वो खरीदते हैं उनसे इसका मतलब इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये रोज़गार की अवसरों को बढ़ाता है मच नीडिड फॉरेन करेंसी स्टॉक इंक्रीजेज जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भी इससे बढ़ता है नाउ वी कैन से द प्रोग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ अ कंट्री इंडिकेटेज इंडिकेट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट कंट्री देन क्वेश्चन नंबर फाइव इज हाउ इज़ द टूरिज़्म हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकनॉमी एज अ ट्रेड और इंडस्ट्री तो टूरिज़्म एक ट्रेड के रूप में इकनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल है देखते हैं टूरिज़्म इन इंडिया हैज़ ग्रोन सबसे सब्सटेंशली ओवर द लास्ट थ्री डिकेड्स देखिए लास्ट थ्री डिकेड्स में ये बहुत जल्दी से बढ़ने वाला एक ट्रेड कह दीजिए एक इंडस्ट्री कह दीजिए मोर देन फिफ्टीन मिलियन दैट इज़ वन फिफ्टी लैक्स पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन दिस इंडस्ट्री कम से कम मतलब देखिए 150 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग इस इंडस्ट्री से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जैसे आप देखिए गाइड हैं होटल्स हैं ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सब इससे जुड़े हुए हैं टूरिज़्म आल्सो प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन जो टूरिज़्म है वो राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ़ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर कल्चर एंड हेरिटेज देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कल्चर और हमारी संस्कृति की समझ पैदा करता है लोगों के अंदर जब लोग आएंगे हमारी संस्कृति देखेंगे हमारी विरासत देखेंगे तो उनके अंदर भी एक समझ पैदा होती है उन्हें भी ये लगता है कि हाँ इंडिया में कुछ बात है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स ये देखिए जो स्थानीय हस्तकला होती है और जो कल्चर होता है उसको ये प्रमोट करता है सपोर्ट करता है और वहाँ की चीज़ें जो एक कि शायद किसी गांव में बनने वाली चीज़ें जो पहले किसी गांव तक सीमित थी अब वो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाती हैं इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन अर्निंग फॉरन एक्सचेंज और ना केवल ये सब चीज़ें होती हैं बल्कि विदेशी मुद्रा भी इससे मिलती है नाउ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फोर मार्क्स रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखिए हिंदी और इंग्गिश लैंग्वेज की तरह हैं. अब आप अब से आपको सोशल साइंस में भी ये आ, ऐसे पैराग्राफ आएंगे और इस पैराग्राफ पर बेस आपको क्वेश्चन करने होंगे जो कि बहुत ईजी है सो लेट्स रीड द लेंथ ऑफ रोड पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स देखिए जो पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में जितनी भी सड़कें होती हैं उसको डेंसिटी ऑफ रोड्स कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन कंट्री हमारी पूरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड एक समान नहीं है डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली ट्वेल्व पॉइंट वन फोर किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर टू फाइव हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट सेवन सेवन किलोमीटर इन केरला विद द नेशनल एवरेज ऑफ वन हंड्रेड फोर्टी टू पॉइंट सिक्स एट किलोमीटर ये डाटा दे रखे हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ डेंसिटी ऑफ रोड्स है और इकतीस मार्च दो हज़ार ग्यारह के अनुसार रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसिज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रोड ट्रांसपोर्टेशन को भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर्स द रोड नेटवर्क इज़ इन देखिए ट्रैफिक को देखते हुए और पैसेंजर्स जो इसको यूज़ करते हैं उन सबको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो रोड नेटवर्क है वो इनएडकुएट है यानी अपर्याप्त है अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटर्ड एंड दिस लिमिट्स दे आर यूसेज ड्यूरिंग रेनी सीजन ज़्यादातर जो आधी से ज़्यादा रोड हैं वो कच्ची हैं और रेनी सीज़न में तो खास तौर से जो इनका यूज़ है वो लिमिटेड हो जाता है क्योंकि गड्ढे वगैरह हो जाते हैं द नेशनल हाईवेज़ आर इन एडुकेट टू जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो भी अपर्याप्त हैं मोर ओवर द रोडवेज़ आर हाईली कंजेस्टेड एंड इन सिटीज़ एंड मोस्ट ऑफ़ द ब्रिजेज़ एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो देखिए जो शहरों में और जो आ, वहाँ पर जो सड़कें हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हैं और जो उन पर अगर ब्रिज वगैरह भी बने हैं पुलियाँ बनी हैं वो भी बहुत पुराने और तंग हो चुके हैं बहुत कम चौड़े हैं हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स फास्ट डिवेलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क हैज़ टेकन प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लेकिन पिछले कुछ सालों में इस रोड नेटवर्क में काफ़ी तेजी से विकास हुआ है नाउ द क्वेश्चन क्वेश्चन ए वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई रोड डेंसिटी द लेंथ ऑफ रोड पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स यानी पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो लेंथ ऑफ रोड होती है उसको हम डेंसिटी ऑफ रोड कहते हैं देन वॉट इज़ द टोटल रोड डेंसिटी ऑफ जम्मू कश्मीर ओनली ट्वेल्व पॉइंट वन फोर किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर देन सी पार्ट मेंशन द चैलेंजेस फेस बाय इंडियन रोड्स यानी इंडियन रोड्स के द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंजेस कौन कौन से हैं अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल्ड एंड दिस लिमिट्स देयर यूसेज ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी आधे से ज़्यादा तो रोड हैं वो कच्ची हैं और रेनी सीजन में तो इनका यूज़ लिमिटेड हो जाता है मोर ओवर रोडवेज आर हाईली कंजेस्टेड इन सिटीज़ और यहाँ तक कि शहरों में जो रोडवेज़ हैं बहुत ज़्यादा हाईली कंजस्टेड हैं बहुत ज़्यादा नैरो हैं ये सारी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं इंडियन रोड्स के मामले में नाउ द लास्ट क्वेश्चन सजेस्ट सम मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स इन इंडिया तो क्या क्या वो मेजर्स हैं स्ट्रीट्स शुड बी पेव्ड यानी सड़कों को जो है सड़कों को पक्का किया जाना चाहिए स्पेशल केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग रेनी सीजन रेनी सीजन के दौरान स्पेशल केयर मिलनी चाहिए रोड्स को यानी बार बार जब भी वहाँ पर कोई अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो तो तुरंत करी जाए द रोड शुड बी वाइडन और सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हाँ मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफ़ीट कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज वी आर आ मास्क एंड इफ पॉसिबल अगर वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी हो तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच